दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी नॉलेज में। आज इस वीडियो में मैंने DLED फोर्थ सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के 50 बहुविकल्पी प्रश्न लिए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे में किस ब्रिटिश शासक ने गिरफ्तार किया था? तो इसका उत्तर है हडसन ने। हमारा अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है ग्वालियर में। हमारा अगला प्रश्न है, 1899 ईस्वी में पुणे में विडो होम की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है DK कर्वे ने। हमारा अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? इसका उत्तर है मुंबई में। हमारा अगला प्रश्न है, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी, किसका कथन है? तो यह कथन है लाला लाजपत राय का। अगला प्रश्न, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर है लाला हरदयाल सिंह। अगला प्रश्न, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज के लेखक है महात्मा गांधी। हमारा अगला प्रश्न, काकोरी कांड में किसे फांसी नहीं दी गई थी? तो इसका उत्तर है मम्मत नाथ को फांसी नहीं मिली थी, और रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो इसका उत्तर है 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत में आया था। अगला प्रश्न, काला सोना किसे कहा जाता है? तो पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को काला सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से किस स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश 29वें स्थान पर है साक्षरता की दृष्टि से। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका उत्तर है अरावली। अगला प्रश्न है, भारत में कुपोषण का स्तर मापने के लिए कितने वर्ष तक के बच्चे लिए जाते हैं? तो इसका उत्तर है 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे लिए जाते हैं। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनिफेम का मुख्य कार्य क्या है? तो यूनिफेम का मुख्य कार्य है महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। यूनिफेम का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट फंड फॉर वुमेन। हमारा अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश रचना है? तो ये रचना है स्वामी दयानंद सरस्वती की। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया? तो इसका उत्तर है जनरल डायर ने। हमारा अगला प्रश्न है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसका कथन है? तो यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थित है? तो यह है प्रयागराज में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका उत्तर है कानपुर को। अगला प्रश्न, अशोक चक्र में तीलियाँ हैं? इसका उत्तर है 24। हमारा अगला प्रश्न है, प्रदूषण के प्रकार हैं? तो वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण, यानी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया? तो इसका उत्तर है चंद्रशेखर आजाद ने। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया? तो इसका उत्तर है बेगम हजरत महल ने। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा योजना किस सन में लागू की गई? तो मनरेगा योजना 2005 में लागू की गई। अगला प्रश्न, कर्मा लोक नृत्य है? तो कर्मा लोक नृत्य सोनभद्र का है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? तो इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है? तो इसका उत्तर है 3:2। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नगदी फसल नहीं है? तो इसका उत्तर है गेहूँ नगदी फसल नहीं है। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो इसका उत्तर है 5 फरवरी 1922 में। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई थी? तो इसका उत्तर है 10 मई 1857।
अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है राजा राम मोहन राय ने। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका उत्तर है व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न, चौरी चौरा कांड हुआ था? तो यह हुआ था गोरखपुर में। अगला प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? तो इसका उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा अगला प्रश्न, धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? इसका उत्तर है दादा भाई नरोजी ने। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कितने मंडल में विभाजित है? तो इसका उत्तर है 18 मंडल में विभाजित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? तो इसका उत्तर है मूंग खरीफ की फसल है। अगला प्रश्न, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है? तो यह है ब्रजभूमि का। अगला प्रश्न, कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका उत्तर है कर्नाटक में। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 5 जून को। हमारा अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है? तो इसका उत्तर है गौतम बुद्ध नगर। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो यह है राष्ट्रीय राजमार्ग 7, इसको NH7 भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई? तो इसका उत्तर है 2015 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हे राम कौमा भारत छोड़ो किसका कथन है? तो ये दोनों कथन है महात्मा गांधी के। अगला प्रश्न है, राजा कुंवर सिंह संबंधित थे? तो इसका उत्तर है जगदीशपुर से। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी? तो इसका उत्तर है 1875 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो इसका उत्तर है 1930 ईस्वी में प्रस्तुत की। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, राष्ट्र मेरा धर्म है जन सेवा मेरी पूजा मिशन था? तो यह मिशन था लाला लाजपत राय का।